मुंगेर लोकसभा के लिए 13 मई को होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसमें जल, थल, वायु, नक्सली और पहाड़ों पर सेना, जिला पुलिस, बोट, ड्रोन और घुड़सवारों से पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी ताकि मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो और भयमुक्त वातावरण में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। वहीं इस मामले में मुंगेर पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया है कि गंगा पार होकर दो मतदान केंद्रों पर जाना पड़ता है। इसमें जाफर नगर और टीकारामपुर के दो मतदान केंद्र हैं, जबकि 39 मतदान केंद्र दियारा क्षेत्र में हैं। सभी बूथ संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं। गंगा पार दियारा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी, जबकि एसटीआरएफ टीम के साथ 8 बूथों से रिवर पेट्रोलिंग की जाएगी। दियारा क्षेत्र में घुड़सवार दस्ते की टीम द्वारा पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए 4 यूनिट घुड़सवार दस्ता मुंगेर पुलिस को मिले हैं, जो लगातार दियारा क्षेत्र के मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण का काम कर रहे हैं। जबकि दियारा क्षेत्र के स्पेशल QR टीम बनाई गई है, जबकि जिसमें सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स SAPC की तैनाती की गई है। SP ने बताया है कि जिले में 55 मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित की श्रेणी में चिन्हित है। सभी मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। पिछले कई दिनों से एसटीएफ की 4 यूनिट नक्सल प्रभावित पहाड़ी जंगल में 4 ड्रोन कैमरे की मदद से एरिया डोमिनेशन के कार्य को अंजाम दे रही है। मतदाता सुरक्षित मतदान केंद्रों पर पहुंचे और मतदान कर वापस सुरक्षित अपने घर पहुंचे, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मोटरसाइकिल टीम लगातार मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले मार्ग पर गश्ती करेगी, जबकि एसटीएफ की कार्यवाही चुनाव समाप्ति तक जंगलों में जारी रहेगी। मुंगेर व चमारपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 392 मतदान केंद्र है, जिसमें 55 नक्सल प्रभावित और 386 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी। जबकि दोनों विधानसभा के 251 मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बलों के साथ ही जिला पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा थाना स्तर पर लगातार पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। 13 मई को चुनाव होना, जो चौथे चरण का चुनाव मतदान होना है 13 तारीख को, उसमें पुलिस की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। हम लोगों के जितने भी बूथ हैं कैटेगरी वाइज, उस पर हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में बल का डिप्लॉयमेंट किया है। अर्धसैनिक बल भी हम लोगों को पर्याप्त संख्या में मिले हैं, जो कि हम लोगों ने बूथ पर डिप्लॉय किया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में और सारे थाना क्षेत्र में QRT का अलग से फॉर्म हम लोगों ने किया है, जो कि QRT रहेगा और कोई भी सूचना मिलने पर त्वरित उसमें कार्रवाई करेगा। इसके अलावा जो मुंगेर जिला का क्षेत्र है, मुंगेर लोकसभा का, मुंगेर जिला के अंदर, वो उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी है। उसमें गंगा का क्षेत्र है, दियरा का क्षेत्र है, तो दियरा के लिए अलग हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट प्लान बना के रखा हुआ है, ट्रैफिक प्लान बना के रखा है। इसमें हम लोगों के 4 यूनिट घुड़सवार भी हम लोगों को मिले हैं, जो कि वहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और इसमें जो बोट की व्यवस्था है, जो बोट पेट्रोलिंग है, वो 8 यूनिट बोट SDRF का रहेगा, जो कि लगातार जितना भी गंगा का क्षेत्र है उसमें पेट्रोलिंग करेगा। और वहाँ पे हम लोगों का जो STF का कैंप है टीकारामपुर में, उसके भी खास जिम्मेदारी रहेगी कि वो अपने एरिया में एरिया डोमिनेशन लगातार करे चुनाव के दिन और पेट्रोलिंग करता रहे, और जो EVM वहाँ पे जाए चुनाव के बाद जो वापस जाएगा वो सुरक्षित अपने डिस्पैच रिसीविंग सेंटर पे वो पहुँच जाए, वो लगातार उसमें कार्रवाई करेगा। इसके अलावा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है मुंगेर ज़िला के अंतर्गत, उसमें हम लोगों के द्वारा जो डिप्लॉयमेंट है वो मानक के अनुसार किया गया है। सभी बूथ पे हम लोगों ने अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति की है। इसके अलावा वहाँ पे स्पेशल QRT अलग बना हुआ है और STF के द्वारा वहाँ पे एरिया डोमिनेशन और ROP की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा 4 ड्रोन कैमरा भी हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं, जिसको STF के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, और पूरी जंगल का जो क्षेत्र है उसमें उससे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर मूवमेंट पे हम लोग नज़र रखे हुए हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि चुनाव जो है शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग संपन्न कराएंगे।